हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे परमाणुकता। इससे पहले जो है हम लोग अवोगाड्रो की परिकल्पना पढ़ चुके थे और जे जे बर्जिलियस की परिकल्पना पढ़ चुके थे। तो ये जो परमाणुकता किसी गैस की परमाणुकता जो ज्ञात करना है, ठीक है, ये हम अवोगाड्रो की ही परिकल्पना के आधार पर, अवोगाड्रो की हाइपोथेसिस के आधार पर इसको डिटरमिन करेंगे। तो देखिए, पहले एक एटॉमिसिटी है क्या, यानी कि अगर किसी कोई एक तत्व है, ठीक है, उसके एक अणु में जितने परमाणु उपस्थित हैं वह इसकी क्या कहलाती है, परमाणुकता। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे अगर हम पूछें कि हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है, हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है, हाइड्रोजन जब भी आपको एग्जिस्ट करता है, किस रूप में एग्जिस्ट करता है, H2 के रूप में, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई, एटॉमिसिटी बात समझ आई, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। नाइट्रोजन की बात करें, एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2। O3 की बात करें तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई, 3 हो गई। बात समझ में रही नहीं, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई, 2, इसकी परमाणुकता 3 हो गई। ये गैस की बात करें। और जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि फास्फोरस की परमाणुकता कितनी है, फास्फोरस की परमाणुकता कितनी है, तो फास्फोरस जो है जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो P4 में एग्जिस्ट करता है, किस रूप में, P4। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई, 4। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी हो गई, 4। इसे सल्फर पूछा गया, तो जब भी सल्फर एग्जिस्ट करता है वो S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई, 8। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए हीलियम की परमाणुकता, तो हीलियम हमेशा H2 के रूप में ही रहेगा, H2 नहीं बनाता, तो हीलियम की परमाणुकता कितनी हो गई, 1। इसको हम बोलते हैं डाई एटॉमिक, इसको बोलते हैं हम लोग टेट्रा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक, ये हो गया आपका मोनो एटॉमिक, या फिर इसको पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे ये पूछा जाए कि H2O की परमाणुकता कितनी है, तो ये सवाल क्या होगा, गलत होगा, H2O की एटॉमिसिटी, क्यों, क्योंकि आपका ये एलिमेंट नहीं है, ये आपका क्या है, कंपाउंड है, ये आपका क्या है, कंपाउंड है, तो हम लोग इसकी परमाणुकता नहीं बता सकते, किसकी, H2O की परमाणुकता हम लोग नहीं बता सकते। अगर हम परमाणुकता बात करें तो किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उस तत्व की परमाणुकता कहलाती है, और ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कॉल्ड एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम देखेंगे कि अवोगाड्रो ने जो बताया था कि एक निश्चित ताप दाब पर गैस में उपस्थित जो है अणुओं की संख्या बराबर होती है, न कि परमाणुओं की संख्या, तो उसी के आधार पर देखिए अभी हम लोग निकालेंगे कि एटॉमिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी चीज़ की परमाणुकता हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, पिछली क्लास में भी मैंने इसका यहाँ बताया था, देखिए मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन का क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। ठीक है, तो हमको यह ज्ञात है कि हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक Cl है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड में, अब देखिए है क्या, मान लीजिए अगर हमने इसका एक आयतन लिया, एक आयतन मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू ले लीजिए, एक आयतन, इसका कितना लिया गया, एक आयतन लिया गया, और इसका हमको कितना आयतन प्राप्त हुआ, 2 आयतन प्राप्त हुआ। अब देखिए ताप दाब स्थिर है,
यानी कि अगर इसमें इसके एक आयतन में मान लीजिए एक अणु उपस्थित है, मान लीजिए लेकिन ऐसा होगा नहीं, मान ले रहे हैं कि एक अणु उपस्थित है, इसमें भी कितने उपस्थित होंगे, एक अणु उपस्थित होंगे, तो इसके इसमें कितने अणु उपस्थित होंगे, दो अणु, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब देखिए है क्या, इसका एक मॉलिक्यूल मिलकर इसका दो मॉलिक्यूल बना रहा है, और इसके एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम, यानी कि अगर इसका हम कहें 1/2 मॉलिक्यूल, इसका 1/2 मॉलिक्यूल मिलकर इसका 1 मॉलिक्यूल बना रहा है, और जो इसका एक मॉलिक्यूल है उसमें एक H है और एक Cl है, समझ में आया, यानी कि जो हाइड्रोजन का आधा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का जो आधा अणु है उसमें एक हाइड्रोजन है, यानी कि मैं ये कहूँ कि 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रहा है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का आधा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एक एटम दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जो इसका 1 मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या जाएगा, 2 हाइड्रोजन एटम, यानी कि ये क्या हो गया H2, क्या हो गया ये H2, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, दिख रहा है इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई क्या, 2। इसी हिसाब से क्या हो गया, क्लोरीन की बात करें हम लोग, क्लोरीन की क्या हो गया, तो 1/2 मॉलिक्यूल की इतना हो गया, Cl हो गया 1 Cl एटम, तो एक मॉलिक्यूल आपका कितना हो गया, 2Cl एटम, यानी कि Cl2 के रूप में है, ऐसे Cl और Cl, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी हो गई, ऐसा एटॉमिसिटी हो गई कितनी हो गई, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2। बात समझ भाई, तो देखिए अलग गादरों का ही कांसेप्ट हम लोगों ने इस्तेमाल किया, और उसके आधार पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है और क्लोरीन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है। ठीक है, नोट कर लीजिए, देखिए किसी गैस का जो वाष्प घनत्व होता है, यानी कि जो उसकी वेपर डेंसिटी होती है, उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कि जो ये गैस है, ठीक है, यानी कि मास ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस, इसको लोग डिवाइड किससे करेंगे, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। बात समझ रहे हैं कि गैस के किसी निश्चित आयतन का द्रव्यमान उसको भाग देंगे कितना, हाइड्रोजन के उतने ही आयतन के द्रव्यमान से हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए हम होगा, देखिए हमारा ये हो गया वेपर प्रेशर। अब बताइए देखिए यहाँ से कि जब दोनों के वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, दोनों के वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, तो इनके इनमें अणुओं की संख्या भी क्या होगी, फिक्स होगी कि नहीं होगी। भाई अवगाहर ने क्या कहा था कि सेम आयतन, अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर लिया जाएगा तो सेम आयतन जो होंगे, जो सेम वॉल्यूम होगा उसमें सेम मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मैं मान ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर यानी कि मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अपान, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर, और देखिए मास ऑफ टी क्या हो जाएगा, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा एन इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपान,
हाइड्रोजन के एन मालिक्यूल का मास कितना होगा? अगर हाइड्रोजन के एक मालिक्यूल का मास कितना है? दो, तो एन मालिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? टू इंटू एन, ठीक है, आपका एन एन से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यानी कि मास ऑफ वन मालिक्यूल आ गया, इसे हम लोग क्या होते हैं, मालिक्यूलर मास, ठीक है, यानी कि हो जाएगा ये आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस क्या हो जाएगा, दो गुणे वेपर डेंसिटी ऑफ दैट गैस, यानी कि जो किसी गैस की वेपर डेंसिटी होती है उसके मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल के मास के यानी कि एफएस के मॉलिक्यूलर मास के कितनी टाइम्स होती है, टू टाइम्स होती है, कितना होती है, टू टाइम्स होती है। तो लिखिए आप लोग, किसी किसी गैस के वाष्प घनत्व का दो गुना उसके आणविक द्रव्यमान की बराबर होता है, टू टाइम्स ऑफ वेपर, एक मिनट कुछ गलती हो गई, यहाँ पे देखिए हमने क्या ले लिया, वेपर ये हमारे पास डेंसिटी होनी चाहिए, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी यानी कि किसी गैस के टू टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस, नोट कर लीजिए इसको। देखिए हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, तो जो एटॉमिक मास है, ठीक है, जो यानी कि जो किसी एलिमेंट के जो एक एटम का मास है वो उसका क्या है, एटॉमिक मास। अब ये इतनी स्मॉल क्वांटिटी है कि इसको जो है मीज़र करना बहुत मुश्किल है, तो ये एक इसको कंपेयर करके निकाला जा सकता है, यानी कि इसका हमको एग्जैक्ट इसको हम लोग माप नहीं सकते, इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो एटॉमिक मास किसी एलिमेंट के का है, जो किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो एक नंबर है जो क्या बताता है कि फला एलिमेंट या फिर जो एलिमेंट दिया गया है वो हाइड्रोजन के एक एटम से कितना गुना भारी है। हाउ मच टाइम्स द मास ऑफ वन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसकी तुलना किससे की गई, हाइड्रोजन से की गई, यानी कि अगर इसका एटॉमिक मास की बात करें मास ऑफ क्या होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ ए अपन मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपन मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। जो हाइड्रोजन से तुलना करें क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या है, आपका लाइटेस्ट एलिमेंट है, क्या है आपका लाइटेस्ट एलिमेंट है, और जो हाइड्रोजन का जो यानी कि मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, जिसका एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है जानते हैं, जिसका मास होता है 6.1 × 10⁻²⁴ ग्राम। इसका हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम होता है, इसी को इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एक एटॉमिक मास यूनिट, इसी चीज को हम लोग एक एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इसकी एटॉमिक मास की इकाई है, एटॉमिक मास को मापने की इकाई है AMU, AMU देखिए ये आया कहाँ से, ये संख्या देखिए आई कहाँ से, देखिए है कहाँ से, जैसे हमने
देखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बन का द्रव्यमान 12, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना, तो ये क्या एक कंपेयर करके इसको निकाला गया है किससे, हाइड्रोजन के साथ। अब तो जो है जो अब नॉर्मली जो है किसके साथ कंपेयर करके निकाला गया है, कार्बन 12 के साथ, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि हैवियर देन मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो डिफिनेशन चेंज हो जाएगी, हैवियर देन मास ऑफ 1/12, हैवियर देन 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, या फिर 1/16 मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इस तरह से करके उसकी तुलना करते हैं, बात समझ में आई नहीं। देखिए होता क्या है कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है कितना है, वो एटॉमिक मास कितना है ये ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक मास यानी कि जो अगर हम एक मोल हाइड्रोजन ले लें, एक मोल, अभी एक मोल का कांसेप्ट नहीं है जिसको हम बाद में समझाएंगे, जब हम आप लोगों को मोल नहीं शुरू किए हैं, बस आप इतना जान जाइए कि जो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटम है उसका जो मास होता है कितना, 1.6 × −24 ग्राम होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास यानी कि औसत परमाणु द्रव्यमान। देखिए होता क्या है कि कुछ एलिमेंट ऐसे पाए जाते हैं जिसके क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं, क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें उनका एवरेज निकालना होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हम क्लोरीन की बात करें, ठीक है, तो क्लोरीन है, इसका एटॉमिक मास 35 भी पाया जाता है और 37, ठीक है। लेकिन जो इनकी प्रकृति में उपलब्धता है, अगर ये 3 है तो ये कितना है, 1, यानी इसमें इनका अनुपात है कितना है, 3:1, ठीक। तो जो इनका एवरेज एटॉमिक मास होगा, एवरेज एटॉमिक मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 × 35 + 1 × 37 अपान कितना लिया गया टोटल, 4 का लिया गया है, कितना हो जाएगा आपका ये 105 + 37/4, ये हो गया आपका 142/4, तो हो गया 35.6, कितना जाएगा ये 4×3=12, 35.5 किसका, क्लोरीन, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, इसमें एक होता है 35 और एक होता है 37। देखिए इसकी कोई यूनिट नहीं लिखी गई है, ध्यान दीजिए हमने क्या बताया था कि एक तत्व का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान द्रव्यमान से कट गया, तो इसलिए जो इसका ये एटॉमिक मास है इसकी कोई यूनिट नहीं है, बात समझ में। अब देखिए एक टर्म ये हो गया, अब एक टर्म और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है, ध्यान दीजिएगा, बस ग्राम में वही मास होता है जो उसका एटॉमिक मास होता है, नहीं समझ रहे हैं आप लोग, इसको नोट करिए, समझाते हैं। जैसे ये देखिए इसका जो एटॉमिक मास है वो 35.5 है, तो जिसका ग्राम एटॉमिक मास होगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका ग्राम एटॉमिक मास होगा वो हो जाएगा आपका 35.5 ग्राम, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, 35.5 ग्राम बस। अब ये इसको समझने के लिए आप समझते, ये कांसेप्ट हम समझाते हैं उस हिसाब से समझ जाएंगे। एक कांसेप्ट आता है मोल का, क्या कहता है, मोल का कांसेप्ट आता है, ठीक है। तो जो ग्राम एटॉमिक मास होता है क्या है कि एक जो मोल होता है उसमें होते हैं 6.023 × 10³, इतने क्या होते हैं एटम्स होते हैं, जैसे अगर हमने एक मोल एटम लिया है तो इतने एटम होंगे, अगर हमने इतना ही मॉलिक्यूल लिया होगा तो क्या होंगे, इतने
मॉलिक्यूल होंगे। बात समझ में? अब देखिए मुद्दा क्या है कि हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन का जो एक मोल होता है, यानी जो उसका एटॉमिक मास होता है, जो उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जो उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 1 एटम के मास के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, अगर यानी कि 6.023 × 10²³ जो एटम्स हैं उनका जो मास है वो क्या आ गया आपका 1 ग्राम। ध्यान दीजिए, जो एक एटम का मास होता है, मास आप 1 एटम कितना हो गया, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/6.023 × 10²³, ये हो जाएगा आपका 1.6 × 10²⁴ ग्राम। यहीं से वो आया था, बस में, यानी जो एक एटम का मास हो गया वो कितना हो गया, कितना 1.6 × 10²⁴ ग्राम, किसके, हाइड्रोजन के एक एटम का मास। अब हमने कहा कि जो क्लोरीन का मास है वो 35.5 है, यानी क्या किया गया है, तुलना किया गया है कि 35.5 टाइम्स होगा हाइड्रोजन के मास के। तो अगर हम कहें कि मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन दिख रहा है कहीं, मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, ग्राम में निकालें तो कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास है और ये कितना है 35.5 टाइम्स है, ये हाइड्रोजन के एटम का मास है और जो क्लोरीन का एटम है वो 35.5 टाइम्स है, तो हो जाएगा 35.5 × 1.6 × 10²⁴ − 24 ग्राम। बात समझ में, ये कितना एक एटम का मास है। अब जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, वो इतने एटम्स के मास के बराबर होता है, जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, समझ गए, तो जो किसका ग्राम एटॉमिक मास होगा वो क्या हो जाएगा, ये एक का है तो जाएगा 35.5 × 1.6 × 10²⁴ × 6.023 × 10²³, भैया देखिए 1/3 से यही आया था, ये दोनों अपन कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ग्राम में था तो क्या 35.5 ग्राम। आप बात समझ गए, तो जो ग्राम एटॉमिक मास है और जो एटॉमिक मास है वही बराबर है, बस उसमें क्या है, उसका उसकी मात्रा क्या है, ग्राम में है। तो जो हम लोग पूछते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, एटॉमिक वेट कितना है, तो आप बता देते हैं तुरंत कि सर 1 ग्राम 35.5 ग्राम। हम लोग तो सामान्य बोलचाल की भाषा में ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो ग्राम एटॉमिक वेट होता है, यानी कि वह है 6.023 × 10²³ एटम्स के मास के बराबर होता है। अगर मैंने कहा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन, हम कहते हैं इसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट 1 ग्राम है, गलत है। अगर उसका एटॉमिक वेट 1 ग्राम है, यानी कि उसके एक एटम का वेट 1 ग्राम है, लेकिन है नहीं, उसमें जो है 6.023 × 10²³ एटम्स होंगे। बात समझ में आई? ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए भी होगा, अभी हम मॉलिक्यूलर वेट की गणना करेंगे। तो सीधा का सीधा यही कॉन्सेप्ट है, जो ग्राम एटॉमिक वेट होता है उसको हम लोग एटॉमिक वेट ही कहते हैं। समझ आए बात? जैसे कहा गया ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, इसका यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि उसके एक परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है, नहीं, उसके एक परमाणु का द्रव्यमान 16 एटॉमिक यूनिट है, ठीक है। अगर जो 16 ग्राम है वो कितने परमाणुओं का द्रव्यमान है, वह ऑक्सीजन के 6.023 × 10³³ परमाणुओं का द्रव्यमान है, और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 16 है,
क्योंकि वो हाइड्रोजन का कितना गुना है, 16 गुना है। अभी हमने आपको इसको समझा दिया, नोट कर लीजिए। अभी आप कहेंगे सर ये जो नंबर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ये है क्या, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या, इसको लिखते हैं एम कैपिटल, इस वाले नहीं तो सोडियम हो जाएगा, 6.023 × 10³। अगर मैंने कहा कि एक मोल, जैसे हम कहते हैं ना एक डजन, उसी तरह से होता है एक मोल, वो एक मोल कितने के बराबर है, इतने के, जैसे आपका एक डजन कितने के बराबर होता है, 12 के, चाहे जो भी चीज हो, चाहे पेन हो, चाहे कॉपी हो, चाहे केला हो, चाहे जो भी चीजें हो, किसके बराबर होती है, 12 के। ये फर्क नहीं पता ना कि एक डजन पेन कुछ और होगा और एक डजन कॉपी कुछ और होगी, एक डजन केला कुछ और होगा, नहीं, तो इसी हिसाब से एन ए जो होता है वो एक ही होता है। बात समझ में आई? तो फर्क कैसे आता है, जो एटम्स का एक एटम का मास होता है वो फर्क करता है। हाइड्रोजन के एक एटम का मास अगर हम एक मान लें तो हीलियम का क्या होगा, 2, कार्बन का कितना होगा, 12, ऑक्सीजन का कितना होगा, 16, क्योंकि ये क्या है, एक कंपेरेटिव नंबर है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं, हम हाइड्रोजन को एक मान के चल रहे हैं। अब क्या करते हैं हम, कार्बन 12 के रिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन 12 के रिफरेंस में हम डिटरमिन करते हैं किसका, किसी भी एटम्स का एटॉमिक वेट। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास हो गया। अब देखते हैं, बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। इसको लोग जाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं H2O, ठीक है, H2O, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तो 2 है और हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, और ऑक्सीजन का कितना है, 16, क्या हो गया, 18। अगर इसको ग्राम में करना होगा, कितना होगा, ग्राम में करना होगा, तो हमको किसमें इसका कितना लेना होगा, 1 मोल लेना होगा। क्या होगा, इसका जो 18 है ये आपका मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर मास, लेकिन 18 ग्राम जो है इसका, ये आपका है मोलर मास, यानी कि हमने 1 मोल H2O का जो मास है वो कितना है आपका, 18 ग्राम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास। तो मोलर मास क्या है कि पदार्थ का जो है, जो हमारा सब्सटेंस है, उसके जो एक मोल का जो ग्राम मास होता है, ग्राम में एक मोल का जो मास होता है, वो इसको क्या कहलाता है, मोलर मास, क्या होता है, मोलर मास। तो H2O का मोलर मास कितना है, 18 ग्राम, यानी कि इसमें H2O के कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, Na मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल हैं, Na मॉलिक्यूल है, किसके, H2O के। एटम्स की बात करें कितने कितने एटम्स हो जाएंगे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का, 3 Na एटम। अब इसको लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट हम लोग इसको फिर अच्छे से समझेंगे। तो ये हो गया आपका मोलर मास। एक्चुअली हमको इसको मोल कॉन्सेप्ट बताने के बाद बताना चाहिए था, लेकिन हमने एटॉमिक मास बताया, मॉलिक्यूलर मास बताया, इसलिए मैंने मोलर मास को बता दिया। तो अब हम शुरू करेंगे, हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मोल कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे।